बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। वर्टिकल प्लेन पर हमारी डिस्कशन जारी है और आज हम डिस्कशन का आगाज़ करेंगे रेगुलर ट्रायंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल से। ये देखें, रेगुलर ट्रायंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल की कुछ एग्जांपल्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। बोरान ट्राईफ्लोराइड, बोरान ट्राईहाइड्राइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, साइक्लोप्रोपेन, नाइट्राइट, नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयन 135, ट्राईफ्लोरोबेंजीन। इनमें तीन वर्टिकल रिफ्लेक्शन प्लेन होती हैं जिन्हें हम सिग्मा वी प्राइम और सिग्मा वी डबल प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, ये ट्रायंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल है। एक तो इसमें ये जहाँ से मैंने इसको पकड़ा हुआ है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस के अलांग मॉलिक्यूल को अगर 120 डिग्री के एंगल पर रोटेट करें तो ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। तो एक तो इस मॉलिक्यूल में C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये इसका, जहां पर मैंने फिंगर टच की है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब ये देखें, ये प्लेन मॉलिक्यूल को दो इक्विवेलेंट पार्ट में बाइसेक्ट करती है। तो ये इस मॉलिक्यूल की वर्टिकल प्लेन है और इस प्लेन के इलांग प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है, इसलिए ये प्लेन वर्टिकल प्लेन है। सिमिलरली ये प्लेन भी वर्टिकल प्लेन है। ये देखें, ये प्लेन भी मॉलिक्यूल को दो इक्विवेलेंट पार्ट में बाइसेक्ट करती है और ये प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के इलांग है। सिमिलरली ये प्लेन भी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के इलांग है। देखिए, एक ये वर्टिकल प्लेन, दूसरी ये वर्टिकल प्लेन और तीसरी ये वर्टिकल प्लेन ट्राइंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल में। इट मीन ट्राइंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल में तीन वर्टिकल प्लेन एग्जिस्ट करती हैं और ये इन प्लेन को हम सिग्मा वी प्राइम और सिग्मा वी डबल प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं और इन वाली वर्टिकल प्लेन को सिग्मा वी प्राइम, सिग्मा वी डबल प्राइम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इन प्लेन को सिग्मा वी वन, सिग्मा वी टू और सिग्मा वी थ्री से भी डिनोट कर सकते हैं। ये ट्राइंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल और आयंस की कुछ टाइप्स और उनकी स्ट्रक्चर, बोरान ट्राईफ्लोराइड, नाइट्रेट आयन, सल्फर ट्राईऑक्साइड, 135 ट्राईफ्लोरोबेंजीन। नाइट्रेट आयन और कार्बोनेट आयन में डीलोकलाइजेशन है, तो डीलोकलाइजेशन की वजह से डबल बॉन्ड में प्योर डबल बॉन्ड का करैक्टर नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में प्योर सिंगल बॉन्ड का करैक्टर नहीं है। इसलिए अगर हम डीलोकलाइजेशन को कंसीडर करें तो इनमें भी वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट है। अगर आप मॉलिक्यूल और इन नाइट्रेट आयन को इस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर इन स्ट्रक्चर में कंसीडर करें तो बाहर लगता है कि इसमें वर्टिकल प्लेन नहीं है, लेकिन एक्चुअली डीलोकलाइजेशन की वजह से ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एक्चुअली इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अबव थ्री रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन, बट इट्स एक्चुअल स्ट्रक्चर इज गिवन लाइक दिस। ये जो ऊपर स्ट्रक्चर गिवन है ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और जो नीचे स्ट्रक्चर है ये इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जिसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। ट्राइंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखें, ये इसमें वर्टिकल प्लेन है, लेफ्ट साइड पे मॉलिक्यूल है, राइट साइड पे इसका मिरर इमेज है और मिरर इमेज एक्चुअल मॉलिक्यूल से इनडिस्टिंग्विशेबल है। सिमिलरली ये एक और वर्टिकल प्लेन ट्राइंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल में। अब देखें, अब तक जो सिमेट्री एलिमेंट ये देखें, इस तरह भी इन वर्टिकल प्लेन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तीन वर्टिकल प्लेन हैं जो मॉलिक्यूल को इक्विवेलेंट पार्ट्स में बाइसेक्ट करती हैं और इन ये तीनों प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है। अब तक जो सिमेट्री एलिमेंट हमने रेगुलर ट्राइंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल में डिस्कस किए, आइडेंटिटी ट्राईफोल्ड, थ्री फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री, देयर इज वन थ्री फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री, देयर आर थ्री टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री एंड देयर आर थ्री वर्टिकल प्लेन्स रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा वी प्राइम एंड सिग्मा वी डबल प्राइम। इन मॉलिक्यूल में हॉरिजॉन्टल प्लेन भी होती है लेकिन डाईहेड्रल प्लेन नहीं होती। अब आते हैं रेगुलर पैरामिडल मॉलिक्यूल की तरफ,
लाइक अमोनिया, ट्राइक्लोरोअमाइन, फास्फीन, इन मॉलिक्यूल्स या आयंस में तीन वर्टिकल प्लेन्स होती हैं। इनके स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये तीनों वर्टिकल प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग हैं, यानी इन मॉलिक्यूल्स में रेगुलर पैरामीटर ट्राइंगुलर मॉलिक्यूल्स या आयंस में तीन रिफ्लेक्शन प्लेन्स हैं और ये तीनों रिफ्लेक्शन प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग हैं। ये देखें, ये पैरामीटर मॉलिक्यूल है, सपोज कर लें कि ये अमोनिया है, ये ब्लैक एटम नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, वाइट एटम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें, एक ये वर्टिकल प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग है। ये प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग है। सिमिलरली ये प्लेन भी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग है और ये रिफ्लेक्शन प्लेन भी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग है। ये तीनों रिफ्लेक्शन प्लेन चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग हैं इसलिए ये वर्टिकल प्लेन कहलाएंगी। There are three reflection plane and these reflection plane contain principal axis of symmetry, therefore these planes are called vertical reflection plane. In vertical reflection plane को हम represent करेंगे sigma v prime और sigma v double prime से, और इनको हम sigma v one, sigma v two, sigma v three भी कह सकते हैं। Nitrogen, अब तक जो symmetry element हमने regular पैरामीटर मॉलिक्यूल में डिस्कस किए, आइडेंटिटी सी थ्री और तीन वर्टिकल प्लेन्स, देयर इज आइडेंटिटी, देयर इज थ्री फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री, देयर आर थ्री वर्टिकल प्लेन्स। इन वर्टिकल प्लेन को सिग्मा वी कहेंगे, दूसरी को सिग्मा वी प्राइम कहेंगे, तीसरी को सिग्मा वी डबल प्राइम कहेंगे, या इनको सिग्मा वी वन, सिग्मा वी टू, सिग्मा वी थ्री भी कह सकते हैं। ये पांच सिमेट्री एलिमेंट अब तक हमने रेगुलर पैरामीटर मॉलिक्यूल में डिस्कस कर लिए हैं, आइडेंटिटी सी थ्री एक्सेस ऑफ सिमेट्री एंड देयर आर थ्री वर्टिकल प्लेन्स। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनके एटम्स पैरामीटर मॉलिक्यूल बनाते हैं और इनमें सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेगुलर स्केयर प्लेनर मॉलिक्यूल को। रेगुलर स्केयर प्लेनर मॉलिक्यूल्स या आयंस में दो वर्टिकल रिफ्लेक्शन प्लेन होती हैं जिनको हम सिग्मा वी और सिग्मा वी प्राइम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक को सिग्मा वी कहेंगे, दूसरी को सिग्मा वी प्राइम कहेंगे। ये इनकी स्ट्रक्चर है स्केयर प्लेनर मॉलिक्यूल की। और अब देखिएगा, ये इसमें रिफ्लेक्शन प्लेन है, इस प्लेन के एक साइड पर मॉलिक्यूल है, दूसरी साइड पर उसका मिरर इमेज है और मॉलिक्यूल और उसका मिरर इमेज एक दूसरे से इनडिस्टिंग्विशेबल है। ये देखें, इस मॉलिक्यूल में चार रिफ्लेक्शन प्लेन है, इनमें से दो वर्टिकल, ये चारों रिफ्लेक्शन प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग है। इनमें से दो वर्टिकल प्लेन हैं, दो डाईहेड्रल प्लेन हैं। डाईहेड्रल प्लेन को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।
ये देखें, दो वर्टिकल प्लेन, दो डाईहेड्रल प्लेन। वर्टिकल प्लेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स में से पास होती है, डाईहेड्रल प्लेन मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स में से पास होती है। वर्टिकल प्लेन बांड के इलांग है, यानी ये बांड को बाइसेक्ट करती है, और डाईहेड्रल प्लेन बांड एंगल को बाइसेक्ट करती है। अलबत्ता ये दोनों ही प्लेन वर्टिकल एक्सिस, ये दोनों ही प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के इलांग है। डाईहेड्रल प्लेन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वर्टिकल प्लेन। ये है टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। अब हम डिस्कस करेंगे स्क्वेयर प्लेनर मॉलिक्यूल को। ये स्क्वेयर प्लेनर मॉलिक्यूल, एक तो इसमें ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये देखें इसमें चार C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, देयर आर फोर टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। स्क्वेयर प्लेनर मॉलिक्यूल में C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है, और ये देखें ये C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये दूसरा C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये तीसरा C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये चौथा C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन। देयर आर फोर C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन इन स्क्वेयर प्लेनर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ये C2 एक्सिस और ये भी C2 एक्सिस। ये देखिए एक ये प्लेन है, ये डाईहेड्रल प्लेन जो दो C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन को बाइसेक्ट करती है। इस एक्सिस के इलांग हम रोटेट कर सकते हैं C 180 के एंगल पर, और इस एक्सिस के इलांग भी रोटेट कर सकते हैं 180 के एंगल पर। अब देखें ये जो प्लेन है, ये प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के इलांग है, इसलिए ये वर्टिकल प्लेन है, और ये प्लेन भी वर्टिकल प्लेन है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के इलांग है। ये जहां से पकड़ के मैं मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहा हूं, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब देखिए ये दोनों प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के इलांग हैं, इसलिए ये दोनों ही वर्टिकल प्लेन हैं। इट मीन्स स्क्वेयर प्लेनर मॉलिक्यूल्स या स्क्वेयर प्लेनर आयन में दो वर्टिकल प्लेन हैं, टोटल चार रिफ्लेक्शन प्लेन हैं, और चारों प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के इलांग हैं, लेकिन इनमें से दो वर्टिकल प्लेन हैं, दो डाईहेड्रल प्लेन हैं। अब हम बात करते हैं स्केयर प्लेनर स्केयर पैरामिडल मॉलिक्यूल की। ये जहाँ से पकड़ के मैंने इसको रोटेट किया है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ये देखें ये प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री के इलांग है, इसलिए ये वर्टिकल प्लेन है, और ये प्लेन भी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के इलांग है, और ये भी वर्टिकल प्लेन है। इट मीन्स स्केयर पैरामिडल मॉलिक्यूल या स्केयर पैरामिडल आयंस में दो वर्टिकल प्लेन हैं। स्केयर रेगुलर स्केयर पैरामिडल मॉलिक्यूल्स और रेगुलर स्केयर पैरामिडल आयन, इनमें दो वर्टिकल प्लेन होती हैं, जबकि स्केयर प्लेनर मॉलिक्यूल या आयन में चार रिफ्लेक्शन प्लेन हैं, दो वर्टिकल प्लेन, दो डाईहेड्रल प्लेन। रेगुलर स्केयर पैरामिडल मॉलिक्यूल्स या रेगुलर स्केयर पैरामिडल आयंस में दो वर्टिकल रिफ्लेक्शन प्लेन हैं, एक को सिग्मा वी कह दें, एक को सिग्मा वी प्राइम कह दें, या एक को सिग्मा वी वन कह दें, दूसरे को सिग्मा वी टू कह दें। ये इनकी जनरल स्ट्रक्चर है स्केयर पैरामिडल मॉलिक्यूल की, ये जनरल स्ट्रक्चर है।
अब देखें, रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल या आयन में वर्टिकल प्लेन नहीं होती, अलबत्ता इसमें डाईहेड्रल प्लेन होती है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, साइलेन, प्लम्बेन, इनमें वर्टिकल प्लेन नहीं होती। अब हम आते हैं ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल की तरफ। ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल एक यूनिक मॉलिक्यूल है। अगर ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल हो, इसमें तीन प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ रोटेशन है।